हेलो दोस्तों, असम की आशा ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और मैं नहा के आ गई हूँ और सुबह का सारा काम हम लोग का खत्म हो गया है। आज बनाई, आज इच्छा क्या कर रही हो? आज मैंने और मम्मी ने मिलकर बनाई है, मम्मी स्पेशल कढ़ी। अच्छा, आज कढ़ी बनाई हो। एक बार हेलो बोल दो मेरे नेबर्स को। कैसे आप लोग? हाँ, तो आप लोग उम्मीद करती हूँ तो आप लोग ठीक ही होंगे। अभी की हाथ की कढ़ी देखिए, ये देखिए बनाई है टेस्टी। तो बहुत मतलब बहुत सारे हैं तो इसलिए दो में खाली करना पड़ा, नहीं क्योंकि सब भर भर के खाते हैं ना कढ़ी। तो हाँ हाँ, मैंने बहुत सारी बनाई। आज मैंने भिगो दिए है इसमें चावल और दाल, ये देखिए भगोने में। आज बहुत स्पेशल है, मतलब स्पेशल क्योंकि स्पेशल स्पेशल खाना बन रहा है आज। स्पेशल खाना बनने वाला है अमित का, जो कि पसंद है डोसा। तेरे लिए नहीं बन रहा है? क्यों? मैं अपने भाई के लिए बना रही हूँ भाई। नहीं, तो यहाँ पर हम सभी लोग बैठ गए हैं। ये देखिए मम्मी, रिचा, रोहित, अमित। तो बोल रहा है रोहित, डोसा किसके लिए बन रहा है? मैंने बोला तेरे लिए नहीं बन रहा है, ये अपने भाई के लिए बना रही हूँ, स्पेशल डिश बना रही हूँ। मामा में खा लूंगा। अच्छा, ये मामा में खा लेगा? मामा में क्या जूठा नहीं खाते बाबू? नहीं होता, उसका भी वजह बताऊंगी मैं। बोलो दादी, बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से अभी रात के 2:30 बजने वाले हैं। सो मेरे दिमाग में खुरापाती आइडिया है कि अमित मामा और ऋचा मामी के ऊपर घोस्ट प्रैंक किया। हालांकि मम्मी के चैनल पर कोई प्रैंक वीडियो गया नहीं है बहुत दिनों से। सो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना प्रैंक कर लूं। मैं अभी उनके रूम में जाऊंगा और दरवाजा नॉक करूंगा, उसके बाद मामा का रिएक्शन लेना जरूरी है। वो मेरे से डरेंगे या इतनी रात को मैं उनका नींद खराब किया हूं तो वो मेरे से डरेंगे या वो मेरे को पीटने लगेंगे। सो ये देखने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। चलते मामा के रूम की तरफ। सो लेट्स गो। तो अभी हम जा रहे हैं ऋचा मामी का खिड़की खटखटाने, देखते हैं क्या आवाज आता है। इसीलिए मैंने ये किया। प्रैंक गॉन रॉन्ग। मैं डरा नहीं था, थोड़ा भी नहीं डरा था। हार्टबीट तो डरा थी। नहीं डरा, मैं नहीं डरा। हार्टबीट देखने दे, हार्टबीट देख। मैं सब के लौट आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा। मैं सब के लौट आओ। मैं यहाँ पे गिर गया। मैंने यहाँ पे मामा को डरा दिया है। मामा, ऋचा मामी दोनों डर चुके हैं। हमारा प्रैंक सफल हुआ है। वो तो वीडियो में पता लगेगा। वीडियो में पता लगेगा आपको कितना सफल हुआ है। सफल है हमारा प्रैंक। और क्या, आप ही बताइएगा कमेंट करके किसने अच्छा किया। ये प्रैंक असफल। डरा मैं नहीं था, डरा मैं बिल्कुल भी नहीं था। बस मेरी रूह कांप गई थी। नहीं डरा था। फटाफट भाग गया, टॉवल उठाया, उस पिछले रूम में भाग गया। जैसे ही इस रूम में एंट्री करेगा मैं पीछे जाके इसको डरा दूंगा। तो बिल्कुल मेरा प्लान बिल्कुल ही ढंग से गया। इसके प्रैंक के ऊपर प्रैंक किया मैंने, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। हिज प्रैंक गॉन रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं था। चलिए वो सब तो बात की बात है,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप मेरे पसीना देख सकते हैं, रिचा मम्मी का पसीना देख सकते हैं। हाँ, इसका रिचा का तो ठीक है, इसका पसीना आप समझ लो क्यों आया होगा। मेरा अरे मेरा तो पसीना आता है वो, हाँ, वो ऐसे ही आता है, होता है होता है होता है होता है होता है, पसीना रूह कांपना दिल में मशरूम नहीं जाना फिर जाता है, एड्रेनलिन निकलना है, सब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइस, आपको अगर ये प्रैंक गॉन रॉन्ग जो भी है समझ मजा आया हो तो हिट द लाइक बटन। एंड और आप बताएं कि हम और कौन कौन से प्रैंक कर सकते हैं रोहित के ऊपर, मेरे ऊपर नहीं, मामा के ऊपर। हम इसी के चैनल पे इसके ऊपर प्रैंक करेंगे क्योंकि, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, उनको भी देख के हंस हंस के बहुत मजा आएगा। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन, हिट द लाइक बटन, टिल देन बाय बाय। हेलो दोस्तों, तो सुबह सुबह का समय है, मैं नहा रही हूं, मेरे सारे काम खत्म हो गए हैं और ये मैंने रेखा का सूट पहन लिया है, जैसे पिछली वीडियो में बोली थी कि सारा सूट छोड़ के चली गई है, तो क्या करूं, ये सूट पहनी तो उसकी याद है, ऐसा लग रहा है वहाँ वो मेरे पास है, हम दोनों में बहुत प्यार है। तो जब मैं ऐसे देखी रोहित सुबह सुबह अमित, तो बोला अमित ये रोहित ने क्या किया रात को, सब बताओ, हिस्सा तुम भी बताओ। तो ये मैं ये भाई साहब हम पे मेरे पे नहीं आई विल एक्सप्लेन तो ये भाई साहब हम पे कर रहे थे प्रैंक, रिचा और मेरे पे, तो मैंने किया और हमने उल्टा प्रैंक किया, प्रैंक गॉन रॉन्ग हो इसके साथ, बहुत ही गंदा, बहुत ही उसको मिजरेबली फेल्ड, एंड इसकी रूह कांप गई, रूह बाहर आ गई। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी उल्टा कर ही दिया, इसके बिल्कुल पसीने पसीने हो गए थे, इतना लग रहा है मन नहीं रहा। ये डर मम्मी गिर गया, वो ये गया इसको डराने रिचा को, अब पीछे से अभी टॉवल लपेट के आ गया और ये ऊपर से और गया, नहीं मैं तो भूत सचमुच कहीं भूत तो नहीं आ गया, कहीं सचमुच का भूत आ जाता क्या करता, डर लगता है अंदर से। चलो ये भूत कहां से सडनली अचानक से आ जाए, हां ये भूत तो कुछ नहीं था, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना, कमजोर दिल वालों के साथ ना करे, खास करके मामा देखिए सच में हालत क्या हो गया। मैं भी सोची क्या सो रहा है, मैं सोची है ऐसे ही आपस में मामे भांजे में नोक झोंक चलती बता रहे कि ऐसे ऐसे हुआ, फिर मैंने वीडियो देखा, अभी तो वीडियो देख ही लिए होंगे कैसा इसने प्रैंक किया, इसका प्रैंक इसी के ऊपर भारी पड़ गया ना रिचा, बिल्कुल बुरी तरह से भारी। यही एंड करते हैं, अगर आप लोगों को ये प्रैंक अच्छा लगा होगा और हम लोग जमा करके बता दीजिए क्या क्या प्रैंक करूं मैं, जो कि किसी को डर भी न लगे या कुछ भी न लगे, हंसी वाला फनी वाला ना रिचा। देख हम लोग विदा लेते हैं, फिर मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ, बाय।